why people join the group? What are the reasons behind why one individuals is go for joining the specific group and not being alone at the workplace or even at the societies? कि भाई societies के अंदर और workplace पे लोग हमेशा group को join क्यों करना चाहते हैं, अकेले क्यों नहीं रहना चाहते, हमेशा group ही क्यों चाहते हैं? तो these are the some reasons. Because we, on the basis of which we can say yes, these are the reasons because of which people are going for joining the groups. Chaliye, one by one lete hain and we will discuss in detail. First is proximity, interactions and influence. कि भाई normally कैसा होता है? Proximity means nearness. कि भाई workplace पे या आपकी societies के अंदर आपके जो social group है उसके अंदर बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि भाई आप एक दूसरे के साथ नियरनेस से काम करने वाले, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने वाले हैं, आप एक दूसरे के साथ पड़ोस में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं एंड आप कंपनी में साथ में आते जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज ऑफ द नियरनेस, बिकॉज ऑफ योर रेगुलर इंटरेक्शंस विद ईच अदर्स, यू आर क्रिएटिंग द वन ग्रुप. वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. कि भाई क्या हो सकता है कि भाई एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हम काम करते हैं. ये फॉर एग्जांपल हम सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम के रूप में हमें मॉर्निंग में साथ में मिलना होता है, साथ में हम डिस्कस करते हैं. हमारा जो टीम लीडर होता है वो हमें बताता है कि भाई कल कौन से बंदे ने कितना काम किया, आज क्या काम करना है, कौन सा बंदा कौन से एरिया में जाएगा, कैसे सेल्स करेगा, कौन सा बंदा कितने लोगों को कॉल करेगा, कितने लोगों को मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली डिस्कस होती है सेल्स टीम के बीच में. तो वंस अगेन कि भाई हर रोज़ मॉर्निंग में हम एक दूसरे को मिलते हैं, हर रोज़ मॉर्निंग में हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड आवर टीम लीडर कैन इन्फ्लुएंस अस कि भाई मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है. तो वंस अगेन इट्स अ फॉर्मल ग्रुप, बट बिकॉज ऑफ द आवर नियरनेस, बिकॉज ऑफ द रेगुलर इंटरेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ आवर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, अ ग्रुप इज क्रिएटेड. सेम वे इनफॉर्मल ग्रुप्स कि भाई क्या होता है कि भाई आपकी जो सोसाइटीज़ है, आपका जो गांव है, वहां से आप लोग साथ में कॉलेज आते हैं सपोज फॉर एग्जांपल. तो वंस अगेन आप एक दूसरे के नज़दीक रहते हो, हमेशा एक दूसरे के साथ बातचीत होती है कि भाई आप जब बस में आते हो, ट्रेन में आते हो, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो कि भाई कल कौन सा लेक्चर्स था, टीचर्स ने क्या पढ़ाया था, कौन से सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कम्प्लीट हुआ एंड यू कैन एबल टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स कि भाई अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि यस भाई मेरे को ये सब्जेक्ट की नोट देना, कल मैंने ये लेक्चर अटेंड नहीं दिया तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, लाइक दैट. तो आप वंस अगेन एक दूसरे के नज़दीक एक ही गांव में रहते हो, रेगुलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो वंस अगेन बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिक्स यू आर गोइंग टू क्रिएट द वन ग्रुप कि भाई हम एक ही गाँव में से आते हैं और हम चार पाँच स्टूडेंट्स जो है हर रोज साथ में अप डाउन करते हैं और एक ही कॉलेज में, एक ही पर्टिकुलर कॉलेज के प्रोग्राम में साथ में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाएंगे. तो दिस इज वंस अगेन प्रॉक्सिमिटी, इंटरेक्शंस एंड इन्फ्लुएंस, दिस इज गोइंग टू क्रिएट द ग्रुप कि भाई इसके कारण आपका ग्रुप क्रिएट होगा. तो वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. चलो नेक्स्ट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस कि भाई फॉर द सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू ज्वाइन द ग्रुप. तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर कोई वर्क प्लेस पे कोई बंदा है तो वो अगर अकेला है, कोई यूनियन या कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करता है तो वो फील करेगा कि भाई मैं सिक्योर नहीं हूँ, ऐसा होगा यस और नो? बीइंग अ वन इंडिविजुअल पर्सन वेदर ही विल फील सिक्योर और वेदर ही विल फील सिक्योर मोर इन अ ग्रुप, कब वो बंदा सिक्योरिटी फील करेगा? फॉर्मल ग्रुप है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ के फॉर्मल ग्रुप में भी इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है. हाँ हो सकता है, अगर वो एक ही कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है उनका कि भाई जो पर्टिकुलर सेल्स टीम है उनमें से छह लोग हैं सेल्स टीम के अंदर, पर उनमें से दो या तीन लोग एक ही गांव से आते हैं तो उनका भी इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है. कोई कॉमन थिंग्स चाहिए कि जो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिकॉज ऑफ दैट वो इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई वो एक ही गांव से हो सकते हैं,
उनका एक ही तरीके की सोच हो सकती है, उनको एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल फिल्म स्टार्स अच्छा लग सकता है, उनको एक पर्टिकुलर टाइप की क्रिकेट की मूवीज अच्छी लग सकती है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और उसकी बातचीत करेंगे। तो वैसा भी हो सकता है कि भाई फॉर्मल प्लेस पे भी इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट हो सकता है। क्लियर? चलिए अब मीन्स हम ये इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे ही क्रिएट हो होता है। हाँ कि भाई यहाँ पे मैंने अभी क्या डिस्कस किया था कि भाई इनफॉर्मल ग्रुप क्यों होता है, फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द सोशल नीड। कि भाई आपकी जो सोशल नीड है कि भाई हम क्या है, तो कि भाई हम वी आर द सोशल एनिमल्स, कि भाई हमें कोई बंदा चाहिए कि जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं, आई कैन शेयर माई फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस। तो इवन एट द वर्क प्लेस मुझे कोई तो चाहिए ना, 5 से 6 घंटे मैं कंपनी में रहने वाला हूँ, तो मेरे पेट के अंदर जो था जो है वो मेरे को किसी के साथ इंटरेक्ट करना है कि भाई कल क्या हुआ था क्या नहीं, सो एंड सो, सो एंड सो। तो डेफिनेटली मेरे को कोई बंदा चाहिए कि जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं। तो इवन एट द वर्क प्लेस इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि जिसके साथ मैं बैठ के डिस्कस कर सकता हूं। वर्क प्लेस पे भी डिस्कस हो सकता है कि भाई नॉर्मली देखेंगे कि भाई ऑफिस के अंदर लोग क्लार्क बैठे हैं तो कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो लोग अपने अपने पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में कैसा आएगा कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल कि भाई वो बंदे को क्या लगेगा, अगर मैं कंपनी में अकेला हूँ, कोई ग्रुप या ट्रेड यूनियन का भाग नहीं हूँ, तो मैं अनसिक्योर हूँ। कैसे? कि अगर कभी फ्यूचर में कंपनी ने मेरे को निकाल दिया, मेरे को सिंपली निकाल दिया, तो क्या होगा, मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई बंदा होगा नहीं, मेरे लिए कोई अपोज करेगा नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं कोई ट्रेड यूनियन का पार्ट हूँ और मुझे कोई गलत तरीके से कोई परेशान कर रहा है, कोई गलत तरीके से मुझे कंपनी में से निकाल रहा है, तो मेरे लिए वो ट्रेड यूनियन आवाज़ उठाने वाला है, दे आर गोइंग टू गिव अ फाइट टू द मैनेजमेंट फॉर मी। सो फॉर गेटिंग द एश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, पीपल आर ज्वाइनिंग द ग्रुप। तो वर्क प्लेस पे जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। सेम वे एट द सोसाइटीज यू कैन ऑल्सो से कि भाई हम सिक्योरिटीज के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि भाई हम कोई पर्टिकुलर नई जगह पे जा रहे हैं या शाम को वापस आ रहे हैं, देन वी कैन से कि यस कि भाई ग्रुप में होगा देन आई विल फील मोर सिक्योर। अगर कोई नई जगह पे जा रहा हूँ, अगर तो ग्रुप में जा रहा है, देन आई विल फील मोर सिक्योर कि भाई अकेला होऊंगा तो कोई भी बंदा मेरे को चीट करके ले जाएगा, अगर ग्रुप में है तो वो चीटिंग के चांसेस, मेरे को चोरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इवन फॉर सिक्योरिटी पर्पस वी आर ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। चलिए देन आफ्टर स्टेटस, स्टेटस पाने के लिए भी मैं ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब पोस्ट, एनी पोस्ट, पोस्ट, रिकॉग्निशंस, रिस्पेक्ट, अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, यस लाइफस्टाइल। यस वी कैन से द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल दिखाएगा वो बंदे का। तो क्या होगा कि भाई मैं, मुझे स्टेटस दिखाना है कि भाई मैं ये सोशल क्लास में से आ रहा हूँ, मेरे पास ऐसा ऐसे चीज़ें हैं, तो मेरे को वो चीज़ लोगों को दिखानी है, सोसाइटीज के अंदर मेरा सोशल स्टेटस एस्टेब्लिश करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसे ग्रुप को ज्वाइन करूंगा जो ग्रुप का सोसाइटीज के अंदर पहले से ही स्टेटस अप स्टेटस है, अपर स्टेटस है, कि जिसके अंदर सोसाइटीज मानती है, लोग मानते हैं कि यस ये ग्रुप को अगर कोई ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली वो बंदा पैसे वाला होगा, वो बहुत अमीर आदमी होगा। तो ऐसा कोई ग्रुप है तो उसको मैं ज्वाइन करूंगा सो दैट आई कैन ऑल्सो फील द स्टेटस, कि भाई मुझे फील करना है कि यस मेरा भी स्टेटस हो, लोग मुझे भी देखे कि यस मैं भी अमीर हूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से फॉर इवन गेटिंग द स्टेटस आई कैन ज्वाइन द ग्रुप। जो फॉर एग्जाम्पल के भाई राजपथ क्लब, तो अहमदाबाद में राजपथ क्लब है, यहाँ पे वडोदरा में हमारी गोल्फ क्लब है, तो कौन लोग ज्वाइन करता है, तो कि भाई अपर क्लास वाले ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं आई एम अ मेम्बर ऑफ सो एंड सो क्लब, तो पीपल विल फील कि यस ये बंदा पैसे वाला होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पर्टिकुलर क्लब का मेंबर है। फिर मैं सबको बोलूंगा भाई ये क्लब हेलो है। हाँ बेटा बोलो।
सर इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल ग्रुप देन स्टेटस हाउ विल इट रिकंसिल विद फॉर्मल ग्रुप स्टेटस होगा ना बेटा, फॉर्मल में भी होगा। फॉर्मल के अंदर वो बंदा अपना स्टेटस दिखाना चाहता है। फॉर्मल एट द वर्क प्लेस आई वॉन्ट टू शो द माई स्टेटस कि भाई मैं अपर क्लास में से आ रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और वी आर फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट कि भाई हम टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, तो ऐसा वो स्टेटस रिकॉग्निशन दिखाना चाहता है। तो मैं वर्क प्लेस पे भी वैसे ही ग्रुप ज्वाइन करूँगा कि जिसका स्टेटस हाई है वर्क प्लेस पे, कि भाई वर्क प्लेस पे भी ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है कि जिसका स्टेटस हाई है, कि भाई कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ है, उनका ग्रुप है, तो उनका ग्रुप मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरा स्टेटस बढ़ जाता है कि भाई इसका उतना बैठना तो टॉप मैनेजमेंट के साथ है, ये तो बहुत ही पहुंचा वाला बंदा है, तो मेरा स्टेटस बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हो कि यस कि हाँ बोलो। बट सर फॉर्मल ग्रुप इज क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड नॉट इंडिविजुअल्स नो। हाँ वो है, बट आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना स्टेटस एस्टेब्लिश कर सकते हो। कंपनी के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट कंपनी के अंदर भी अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स है कि भाई हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यस हमारा ये ग्रुप है, हमारा ये ग्रुप है, तो उसी हिसाब से टॉप मैनेजमेंट वाले जो है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है, उन्होंने कोई ग्रुप क्रिएट किया है तो वो ज्वाइन कर रहा है तो वो दिखा सकता है कि यस आई एम अ मेंबर ऑफ सो एंड सो ग्रुप। ब्लू कॉलर वाले एम्प्लॉयज़ है, उनका भी एक ग्रुप है तो वो दिखाता है कि यस आई एम ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। तो क्या होगा कि भाई अल्टीमेटली पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप अपना स्टेटस को दिखाना चाहते हो कि भाई मेरा स्टेटस ये है, मेरा लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, मेरे पास सो एंड सो, ये सारी चीजें है, वो चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हो, वो आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, सो दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो फॉर्मल एट द वर्क प्लेस कि भाई कंपनी में भी इनफॉर्मल ग्रुप्स होंगे तो मैं वो ज्वाइन करके भी मेरा स्टेटस पा सकता हूँ। सेम वे सोसाइटीज है, तो सोसाइटीज के अंदर भी वैसे कोई क्लब्स है तो वो क्लब ज्वाइन करके भी मैं मेरी सोसाइटीज के अंदर आजू बाजू वाले लोग को मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं ये क्लब का मेंबर हूँ, मैंने इतने इतने लैक्स रुपीज फिलअप किए हैं, सो दैट आई कैन बी ए मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं मेरा स्टेटस ये है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें है। तो इवन फॉर शोइंग द स्टेटस आप स्टेटस दिखाने के लिए भी ग्रुप ज्वाइन करते हो, ठीक है। चलिए सेम वे इसमें भी यही आएगा, सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट। आप मास्लोस नीड थियरी में पढ़े थे कि भाई मेरे पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई, सोशल नीड भी मेरी फुलफिल हो गई, उसके बाद आता था सेल्फ एस्टीम नीड कि जहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि भाई अवार्ड चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो मैं अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करता हूँ जिससे वंस अगेन पीपल विल कम टू नो मी कि भाई लोग मुझे जानने लगे, मुझे रिस्पेक्ट देने लगे और इवन मुझे अवार्ड मिले कि भाई मैंने क्या किया कि चलो भाई अभी मुझे सोशल सर्विसेज करनी है, तो ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन किया कि जो ग्रुप बहुत ही वेल नोन है, वंस अगेन मेरे को स्टेटस भी मिलेगा वो ग्रुप ज्वाइन करने से कि भाई ये ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर लोगों की हेल्प करता है। तो मैंने वो ग्रुप किया, ज्वाइन किया, मैंने लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया तो लोगों ने मेरे को रिस्पेक्ट देना भी स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने मेरे को और कंसर्न मेरी जो कम्युनिटी है उन्होंने मुझे अवार्ड दिया तो आई जस्ट गेट द रिकॉग्नाइजेशन कि भाई रिस्पेक्ट, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। तो इवन फॉर सेल्फ एस्टीम फॉर स्टेटस आई एम ज्वाइनिंग द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन फुलफिल माई नीड। ये एक सिंपल नीड है, ह्यूमन बींग्स की नीड है, सिक्योरिटी नीड है, स्टेटस नीड है, सेल्फ एस्टीम नीड है, एफिलिएशन नीड है, तो ये सारी जो नीड है ह्यूमन बींग्स की वो बंदा फुलफिल करना चाहता है तो उसके लिए वो बंदा कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहा है कि जिसके जरिए वो अपने माइंड में बोल सके कि यस मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ये सारी चीज़ें किया लाइक दैट। तो इवन आपका अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट, मुझे वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वर्क प्लेस पर कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ कि जिसके
जरिए मैं फील कर सकता हूँ कि यस मैंने गरीबों की मदद की और लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग मुझे अच्छी तरीके से वर्क प्लेस एट द आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस देख रहे हैं, और मेरी कम्युनिटी ने, गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया। मेरी कंपनी मेरे को कभी अवार्ड नहीं देने वाली थी, बट ये तरीके से मैंने अवार्ड लिया। तो इवन फॉर सेल्फ एस्टीम नीड मैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। सेम वे अफिलिएशंस, दैट इज सोशल नीड, कि भाई क्या होगा वर्क प्लेस पे मेरी सोशल नीड मुझे फिलफिल करनी है। वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी इज अ सोशल एनिमल, कि भाई वो बंदे को कोई ना कोई एक बंदा चाहिए कि जिसके साथ वो इंटरेक्शंस कर सके, अपनी फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस शेयर कर सके। तो इवन एट द वर्क प्लेस और इवन एट द माई सोशल लाइफ आई वॉन्ट समवन विद होम आई कैन शेयर द माई फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस। तो इवन fulfilling the my social need, my affiliation need, I am joining the various groups. कि भाई मेरी social need को fulfill करने के लिए भी मैं normally groups को join करता हूँ। चलिए next सर, is, हाँ बोलिए। affiliation मतलब tie up करना या join करना, एक दूसरे के साथ interact करते हैं, बातचीत करते हैं, friendship के रूप में रहते हैं, ऐसे कनेक्शन या रिलेशनशिप बोल सकते हैं ना सर हम इसको। हाँ कनेक्शन, हाँ कह सकते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंडशिप है, ऐसा नहीं बोलते हम कि भाई ये मेरा फ्रेंड है। तो वर्क प्लेस पे भी बोलते हैं कि भाई ये मेरा फ्रेंड है। तो इट शोज योर एफिलिएशंस, अटैचमेंट, रिलेशंस विद द पर्टिकुलर पर्संस, और इनफॉर्मल वे में कि भाई हम फ्रेंड्स है कि जिसके साथ हम पूरा दिन बिताते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमते हैं, वैसा ही कि भाई आप अपनी सोशल नीड फुलफिल करते हो। ठीक है चलिए, then next is power. For getting the power, you will join the group. तो अभी ग्रुप ज्वाइन करने से पावर कैसे आएगा और कौन से ग्रुप का ज्यादा पावर होगा, कौन से ग्रुप का कम पावर होगा? इनफॉर्मल में हम पावर लीड कर सकते हैं। ओके, अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर 15 लोग है, एक ग्रुप है उनके अंदर 500 लोग है, तो कौन से ग्रुप का पावर ज्यादा होगा? 15 लोग वालों का। 15 लोगों का नहीं, 500। एज द नंबर ऑफ, हाँ एज द नंबर ऑफ पर्संस आर गोइंग टू बी इंक्रीज, योर पावर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाला पॉइंट हो गया कि भाई आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होते हो तो आपका ग्रुप बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा बनता जाता है आपका ग्रुप का इन्फ्लुएंस पावर बढ़ता जाता है। सो फॉर गेटिंग द पावर आई एम ज्वाइनिंग द ग्रुप, कि भाई कॉलेज के अंदर मेरे को ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करना है कि जो जिसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन करके हम अथॉरिटीज जो है उनके पास अपनी बात पहुंचा सके। तो अगर मैं अकेला जाऊंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, अगर मैं ग्रुप में जाऊंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। सो इवन फॉर गेटिंग द पावर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटीज आई एम ज्वाइनिंग द ग्रुप, कि भाई कॉलेज के अंदर आपने सो एंड सो ग्रुप को ज्वाइन किया, फिर आपका जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो आप वो ग्रुप को बताते हो, ग्रुप ऑन रिटर्न करता है, सभी ग्रुप मेंबर्स है उसके ऊपर साइन करेंगे और फिर वो लोग वो एप्लीकेशंस देंगे, सो दैट उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा आएगी, बिकॉज नंबर ज़्यादा होगा ग्रुप का इन्फ्लुएंस पावर ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इवन फॉर गेटिंग द पावर आई एम ज्वाइनिंग द ग्रुप, कि भाई मैंने ग्रुप ज्वाइन किया सो दैट मेरा इन्फ्लुएंस पावर बढ़ गया। मैं अकेला था तो वहाँ पर जाके कोऑर्डिनेटर को बोला तो वो चीज़ नहीं हो रही थी, बट मैं ग्रुप में था, सब लोग साथ में इकट्ठा मिल के गए तो वो चीज़ ईजीली हो गई। सो मैं ग्रुप में हूँ तो आई एम फीलिंग द पावर, कि यस ग्रुप के अंदर मुझे पावर फील हो रहा है। तो बंदे को पावर फील करना है, अगर सोचना है कि यस मैं पावरफुल हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कि भाई हमारी बात सुनी जाएगी, तो वो लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। सेम वे कंपनी में भी आप ऐसा ही बोल सकते हो कि भाई बींग अ वन इंडिविजुअल उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, बट अगर ट्रेड यूनियन है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है, तो डेफिनेटली उनकी बात सुनी जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग अगर ट्रेड यूनियन है तो उसका पावर ज़्यादा है।
अगर ट्रेड यूनियन बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा ही करना है अदरवाइज कल से स्ट्राइक, तो डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट उनकी बात सुनने वाला है. तो वी कैन से कि यस ट्रेड यूनियन हैव अ पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ टॉप अथॉरिटीज. तो पावर पाने के लिए आप वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हो, आप वो ग्रुप का मेंबर बनते हो, सो दैट यू विल फील सिक्योर. स्टेटस, एफिलिएशन, ये सब चीज़ें साथ में ही आएगी नॉर्मली. तो ये सारी वेरियस नीड्स है कि जो वो एक बंदा चाहता है. चलिए आगे जाते हैं. फॉर गेटिंग द आइडेंटिटी. हाँ बोलिए सर. एज यू टोल्ड अस कि पावर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीपल्स, बट सर एज वी सी दैट पावर इज आल्सो प्रेजेंटेड विद फॉर्मल ग्रुप्स आल्सो ना. वो अथॉरिटीज हो गया. वो अगर फॉर्मल ग्रुप है तो उनके पास अथॉरिटीज है, वो जो काम दिया हुआ है तो उसके लिए अथॉरिटीज है कि भाई वो बंदा उसके जो भी कलीग्स है उसको बोल सकता है कि भाई तू ये काम कर. पावर दोनों तरीके का हो सकता है, फॉर्मल पावर भी हो सकता है, इनफॉर्मल पावर भी हो सकता है. आप अथॉरिटी की जो बात कर रहे हो उसे हम फॉर्मल पावर करेंगे कि जो एक बंदे के पास आता है बिकॉज ऑफ द सो एंड सो डेजिग्नेशंस, तो वो एक फॉर्मल पावर हो गया. ये पावर वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर ये डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी. तो इवन इनफॉर्मल पावर की बात कर रहा है कि भाई आपका कोई डेजिग्नेशंस नहीं है बट आप कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स हो तो आप लोगों का इन्फ्लुएंस पावर है. सो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है कि भाई लोग ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करने के पीछे कौन सा रीज़न है. तो ये सारे रीजन्स है कि भाई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पीपल आर ज्वाइनिंग द ग्रुप. ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन कि भाई कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं. तो कि भाई नियर रेगुलरली एक दूसरे के साथ काम करते हैं उसके कारण कर सकता है, सिक्योरिटी के कारण हो सकता है, स्टेटस के कारण हो सकता है, सेल्फ एस्टीम के कारण हो सकता है, अफिलिएशन नीड फुलफिल करने के लिए कर सकता है, फॉर गेटिंग द पावर वो बंदा कर सकता है, फॉर गेटिंग द आइडेंटिटी कि भाई आपको एक आइडेंटिटी चाहिए कि भाई मैं वहाँ पे जाके बोल सकता हूँ कि यस आई एम अ मेंबर ऑफ सो एंड सो ग्रुप. तो ग्रुप की आइडेंटिटी मुझे मिलेगी अगर मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तब, कि भाई मैं आप कॉलेज में जाके बोल सकोगे यस आई एम अ मेंबर ऑफ सो एंड सो ग्रुप. और ग्रुप वेल फेमस होगा, वेल नोन होगा, बराबर उसका स्टेटस हाई होगा, तो आपको उसके बेसिस पे आइडेंटिटी मिलेगी कि भाई यस आप ये ग्रुप के मेंबर्स हो. तो इवन ग्रुप आइडेंटिटी पाने के लिए आप वो ग्रुप को ज्वाइन करते हो, फिर आप वो ग्रुप का सिंबल लगाते हो, अपनी गाड़ी के ऊपर लगाते हो, बैग के ऊपर लगाते हो. नाउ यू वांट टू शो कि यस कि भाई मैं ये ग्रुप का मेंबर्स हूँ. तो इवन ग्रुप आइडेंटिटी पाने के लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हो. देन गोल अचीवमेंट. सर इनफॉर्मल ग्रुप में आइडेंटिटी कैसे आएगा? इनफॉर्मल ग्रुप में इनफॉर्मल ग्रुप में भी ग्रुप आइडेंटिटी होगी ना, ग्रुप आइडेंटिटी होगी वहां पे कि भाई फॉर एग्जांपल एक मिनट में खत्म कर दो कि फॉर एग्जांपल कि भाई ग्रुप आइडेंटिटी के मतलब कैसे है कि भाई वी आर द ग्रुप हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम सो एंड सो सिटी. तो ये उनकी ग्रुप आइडेंटिटी हो गई कि भाई हम अप डाउन करने वाले बंदे हैं जो ट्रेन के D3 कंपार्टमेंट में जाते हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तो ये उनके ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई कि भाई हम D3 डब्बे वाले लोग के जो यहाँ से यहाँ पे जाते हैं. तो ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप्स की भी ग्रुप आइडेंटिटी होती है. तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिलेगी कि यस मैं ये ग्रुप का मेंबर हूँ. हाँ बोलिए. चलिए सर हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं ना कि जब कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं तब वो लोग अपना बैज पहन के घूमते हैं. हाँ आपने कोई स्पेसिफिक ग्रुप को ज्वाइन किया है या कोई एक ग्रुप को सपोर्ट करते हो, नाउ यू वांट टू शो कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ इट. तो आप ग्रुप आइडेंटिटी जो होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो. तो वो आप आइडेंटिटी दिखाना चाहते हो कि यस ये ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, मैं ये ग्रुप को सपोर्ट करता हूँ, तभी आप वो पर्टिकुलर ग्रुप का बैच लेके घूमोगे, उसका मार्केटिंग करोगे. क्यों? तो क्योंकि आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया है उसीलिए. तो वो ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी वो ग्रुप आइडेंटिटी आपको मिलेगी कि भाई यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम सो एंड सो ग्रुप, ऐसा करके कि भाई मैंने BJP ज्वाइन किया है तो मुझे ग्रुप आइडेंटिटी मिलेगी कि भाई मैं BJP का मेंबर हूँ, मैं सो एंड सो काम के लिए काम करूँगा, ऐसा करके. चलिए देन गोल अचीवमेंट. सर और एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो.
सर आपने ये जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट बताया कि सिक्योरिटी के लिए जो है ग्रुप ज्वाइन किया जाता है, तो सर हाँ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों के लिए होता है, इनफॉर्मल में सिक्योरिटी कैसे होगी? इनफॉर्मल में सिक्योरिटी कैसे होगी बेटा, कि सपोज के भी मैं अकेला कोई जगह पे नई जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में इनसिक्योरिटी फील होगी कि भाई मैं यहाँ पे अकेला जाऊँगा तो क्या हो सकता है, कोई मेरे को चीट कर सकता है, कोई मेरे को लेके जा सकता है कि भाई किडनैप हो सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं एक या एक दो या दो से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ में है, देन आई विल फील सिक्योर कि भाई मैं सिक्योर फील करूंगा कि भाई रात में देर हो गई तो आप अकेले घर पे जा रहे हो तो आप इनसिक्योर फील करोगे कि भाई कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप ग्रुप के अंदर हो, तो उस टाइम पे आप हमेशा सिक्योर फील करते हो कि यस हम 5 लोग हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, कोई हमें किडनैप नहीं करेगा, लाइक दैट। तो ये सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि यस आप जब ग्रुप में हो तो आप सिक्योर हो, जब आप अकेले हो तो आप सिक्योर नहीं हो, ऐसी आपके अंदर फीलिंग्स है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करते हो क्यों? सो दैट आप सिक्योर फील कर सको, इसीलिए। क्लियर? यस और यस नो? यस ओके चलो, देन नेक्स्ट इज गोल अचीवमेंट कि भाई जो कॉमन गोल है, मैं जो गोल अटेन करना चाहता हूँ वही गोल मेरे ग्रुप मेंबर्स भी अटेंड करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्रुप भी अटेंड करना चाहता है, सो दैट वी आर ज्वाइनिंग द ग्रुप कि भाई सबका कॉमन गोल है कि भाई मुझे भी पैसा कमाना है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पैसा कमाना है, तो उसके लिए हम साथ में आए हैं और ये कंपनी के अंदर साथ में काम कर रहा है, तो सबका गोल कॉमन है तो उसके लिए वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। सेम वे इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं कि भाई सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल सेम है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स है वो सभी लोग ऐसे हैं कि जिसको आईपीएल पसंद है, वो सभी लोग ऐसे हैं कि जो मोबाइल में साथ में आईपीएल खेलते हैं और देखते हैं, तो हम सबका गोल और ऑब्जेक्टिव सेम हो गया, तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए भी हम साथ में आते हैं और ग्रुप बनाते हैं। क्यों? तो कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, तो उसके मुताबिक एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि भाई उनको फील होता है कि यस मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है, वही ग्रुप का भी गोल है। अगर हम ग्रुप के अंदर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा गोल जो होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो फुलफिल हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज हडलिंग। हडलिंग में क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में भी ये वर्ड आता है कि भाई बीइंग अ वन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ये काम कैसे होता है, उसका एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर सेनेट होती है, उसके बाद सिंडिकेट होती है, तो सिंडिकेट होती है तो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मिलते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी डिसीजंस लेनी होती है वो डिसीजंस लेते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर भी कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर भी ग्रुप ऑफ टॉप अथॉरिटीज होंगे जो डिसीजंस लेते हैं कि यस कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे पैसा स्पेंड करना है, सो एंड सो, सो एंड सो। तो वहाँ पे नॉर्मली एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हडल, कैसा कुछ वर्ड्स है, हाँ हडलिंग ही बोलते हैं ना। तो वहाँ पे एक हडलिंग ग्रुप क्रिएट होता है कि जिसके अंदर वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर्स इनफॉर्मली। तो फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि भाई हमारे यहाँ पे 100 तारीख को, फॉर एग्जांपल कि भाई चलो 25 तारीख को सिंडिकेट की बैठक है और वो लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कौन से बंदे को दिया जाए, कहाँ पे कितना पैसा स्पेंड किया जाए, ऐसा डिस्कशन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे हडलिंग के अंदर कि भाई मैं एक इनफॉर्मल मीट बुलाता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 23rd या 24th को मेरे घर पे वो सब लोगों को खाने खाना खाने के लिए बुलाता हूँ। मैंने पहले से आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि भाई आउट ऑफ 10 दिस आर द 6 और 7 पर्संस टू हुम आई कैन कन्विंस वेरी इजीली, कि ये लोग कन्विंस हो जाएंगे, मेरी बात मानेंगे, ऐसे जो लोग हैं
उनको मैं इनफॉर्मली मेरे यहाँ पे बुलाता हूँ और मैंने एक इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट कर लिया है। तो वो लोग आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खाने के टाइम पे इनफॉर्मल वे में मैं सारे जो मेरा जो चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, वो सारी मैं उनको टेबल के ऊपर खाते खाते डिस्कस कर लेता हूँ इनफॉर्मली। एंड आई जस्ट ट्राई टू कन्विंस कि यस, ये जो प्रोजेक्ट है कल, ये जो डिस्कस होने वाला है, तो मेरा सो एंड सो रिलेटिव है, उसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप इतनी इतनी अमाउंट सो एंड सो डिपार्टमेंट वालों को दे दो। सेम गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होगा कि भाई वहाँ पे भी ग्रुप्स हो जाएंगे, इनफॉर्मल ग्रुप्स हो जाएंगे एंड दे जस्ट ट्राई टू कन्विंस ईच अदर्स कि भाई वो बोलेगा नहीं चलो तो ये प्रोजेक्ट तू ले जा, तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरे को मिलेगा, ये मेरे वाले बंदे को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इनफॉर्मल वे में सब कुछ डिस्कस हो गया होगा पहले से ही अगले दिन पे। फिर जो नेक्स्ट दिन आएगा 25th आएगा, तो वहाँ पे फिर मीटिंग चलेगी, तो मीटिंग के अंदर आउट ऑफ 7 कोई एक बंदा बोलेगा कि नहीं ये चीज़ ये वाले को मिलनी चाहिए, ये बंदे को मिलनी चाहिए, इतना पैसा यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। फिर 10 में से जो 7 लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे होना चाहिए। सो आउट ऑफ 10 7 आर सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर थिंग्स, वन पर्टिकुलर डिसीजंस। तो बाकी के जो 3 लोग होंगे, बाकी के जो मेंबर्स होंगे, वो डेफिनेटली ग्रुप कन्फर्मिटी दिखाने के लिए वो लोग एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो लोग अपोज नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड हडलिंग। आप इनफॉर्मल वे में आप अपना काम करवा लेते हो, आप जो सरप्राइज वाला जो पॉइंट है वो उसको अवॉइड करना चाहते हो कि भाई सडनली अगर मैं वहाँ पे जाके ये बोलूँगा मीटिंग के अंदर ये बोलूँगा तो वो चीज़ नहीं होगी, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सडनली उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा कि यस ये क्या बोल दिया है उसने, ये क्या कह रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू गेट द थिंग्स क्लियर्ड बिफोर द एक्चुअल मीट। तो उसके लिए जो ग्रुप्स बनाते हैं उसे हडलिंग कहते हैं। सो दिस इज द ग्रुप थ्रू विच, दिस इज द टर्म थ्रू विच पीपल आर ट्राइंग टू गेट द एडवांटेज। पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर भी ये आता है कि भाई आप अपनी चीज को मनवाना चाहते हो, आप जो पर्टिकुलर चीज चाहते हो वो करवाना चाहते हो, तो नाउ यू आर प्लेइंग द पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स खेलते हो और इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हो और लोगों को आपकी साइड में पहले से ही कर देते हो। जब फॉर्मल वे में आता है तो एंड ऑल द पीपल्स आर सपोर्टिंग यू, तो उसे बोलते हैं हडलिंग। क्लियर? सो दिस ऑल आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल आर ज्वाइनिंग द ग्रुप।